Assalamu alaikum. Welcome to an amazing show, Bake with an Expert. This is your chef Saad Bhatt. Umeed karta hu aap log khairiyat se honge, mazay mein honge. Aaj jo hum recipe banane ja rahe hain, wo ek farmaish hi hai, balki dono hi farmaish hain. Hum banane ja rahe hain ye hamari bread. जो हमें एक पहले एक हमारे कॉलर ने कहा था कि एक ब्रेड बनाना सिखाएं, बल्कि बहुत सारे कॉलर्स ने कह दिया था कि ब्रेड बनाएं, तो आज एक वेरिएशन मैं लेकर आया हूँ ब्रेड की. हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार सी पेस्ट बनाएंगे जिसको कहते हैं पेस्टो पेस्ट. जो होती है सॉस होती है, बाज़ारों में मिलती भी है, काफ़ी प्राइसी होती है क्योंकि उसके अंदर जाता है पाइन नट्स. अच्छा, पाइन नट्स क्या होते हैं, चिलगोज़े होते हैं, बहुत महंगे हैं, तो आप लोगों ने वो यूज़ नहीं करने. मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक ऑल्टरनेट लेकर आया हूँ, काजू यूज़ करेंगे हम लोग जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है. सर्दियां हैं, हर घर में ड्राई फ्रूट्स तो होते ही हैं, पैकेट में से निकालें. और हमने क्या करना है, यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा नहीं समझे, यहाँ पर मैं कितने, यहाँ पर मेरे पास होंगे 10 दाने होंगे, अपने हिसाब से डाल लें. जितना आपको क्रीमी नटी चाहिए तो वो आपने ऐड करना है इसके अंदर. मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर पेस्टो पार्मेजानो ब्रेड. मज़ेदार और बहुत जल्दी बनने वाली ब्रेड है ये. इसमें बहुत लिमिटेड सी चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रोसेस है वो मैं साथ साथ आपको बताता भी चलूँगा कि करना क्या है इसमें. सबसे पहले यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा डो ले लिया था, पिज़्ज़ा डो. एंड करना क्या है, आपने जो पिज़्ज़ा डो है वो बहुत इजी, मैं आपको सिखा भी चुका हूँ यहाँ पर, पहले दो बार पिज़्ज़ा बना चुका हूँ. एंड अगेन अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप एपिसोड देख सकते हैं मेरी, एंड जाकर आप नोट डाउन करें. अगर नहीं है तो मैं इंशाल्लाह इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ब्रेड मैं बता भी दूंगा कि कैसे बनाना है. यहाँ पर मेरे पास डो है, पिज़्ज़ा डो यहाँ पर मेरे पास है. अब पेस्टो के लिए चाहिए क्या होता है, इटालियन सॉस होती है. एंड इटालियंस जो होते हैं ना, बड़ा शौक से खाते हैं ये. एंड क्या करते हैं, वो ब्रेड होती है सिंपल, उसमें बटर लगाते हैं और ऊपर ये पेस्टो सॉस लगाते हैं. अच्छा, इसमें क्या यूज़ होगा, बेजल लीव्स. बेजल लीव्स क्या होते हैं, तुलसी के पत्ते. अब क्या करना है, आपने इसको हैंडफुल एक वो लेना है, आपने बंच लेना है. एंड अगर आपको और ज़्यादा ग्रीन कलर चाहिए तो आप उसमें ग्रीन और ऐड कर लें, लेकिन फिर क्या होगा, कड़वाहट आ जाएगी, तो उस हिसाब से आपने कैश्यूज़ डालने. मैंने एक बंच ले लिया है, तो यहाँ पर 10 से 12 दाने यहाँ पर कैश्यूज़ के ले लिए हैं. अच्छा, यहाँ पर बटर थोड़ा सा रखा है मैंने, हम इसको थोड़ा सा क्रीमी और बटरी होगा ब्रेड को, अच्छे तरीके से हम फोल्ड करेंगे. वो भी एक नया एक वेरिएशन दिखाऊँगा किस तरीके से ब्रेड बनती है, क्योंकि एक ब्रेड तो सिंपल एक लोफ बन जाता है, बहुत बोरिंग सा हो गया. थोड़ी वेरिएशन, थोड़ी एक न्यू टेक्निक लेकर आया करें, थोड़े हम कट्स मारेंगे, थोड़ा दिखाएंगे किस तरीके से न्यू डिज़ाइन है यहाँ पर. अच्छा, एग वॉश अगेन इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि हर ब्रेड या कोई भी आप बेकिंग करते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर एग वॉश मैंने ले लिया है एक अंडे का, लार्ज अंडे का, वो आपने डालना है इसके अंदर. ठीक है, यहाँ पर फ्लावर है इसको अच्छे तरीके से डस्ट करने के लिए. अब क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको अज्जा प्रॉपर बता दूँ, यहाँ पर मेरे पास है एक बंच ऑफ बेजल लीव्स, कैश्यू 12 आपने लेने, 10 से 12. एंड ये सॉल्टेड वाले, क्योंकि इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, सिर्फ हल्का सा ब्लैक पेपर डालेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो. यहाँ पर मेरे पास है मोज़रेला चीज़, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है ब्रेड में थोड़ा सा डालें, इन्फ्यूज़ करें तो वो मैं डालूंगा. इसमें लेमन जूस है, एक लेमन का पूरा बड़ा वाला, जो आज के लेमन बड़े अच्छे आए हुए हैं, तो वो मैंने इसके अंदर डालना है. यहाँ पर थोड़े से तिल और कलौंजी है. एंड जो की इन्ग्रीडियंट है इस ब्रेड का, वो है यहाँ पर पार्मेजान पाउडर. आप देख सकते हैं ये बहुत मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हर ग्रोसरी स्टोर पे ये है. पार्मेजान चीज़ अगर मिल रही है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत प्राइसी होती है. पाउडर ले लें, बहुत अच्छा है. हम लोग चलते हैं यहाँ पर ब्लेंडर की तरफ. हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बंच आपने यहाँ पर डाल देने हैं तुलसी पत्ते, जो बेजल लीव्स हैं ये डाल दिया. इसके अंदर हम डाल देंगे लेमन जूस, इसी के साथ हम डाल देंगे हमारे ये काजू, 10 से 12 दाने हैं बस. आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना. ये लें, अब इसको देखते हैं कि कितना हमें अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डाल देंगे. अच्छी पेस्ट बनानी है. आई थिंक हमें ज़रूरत नहीं है, हम मैंने बस थोड़ा सा पानी डाला था कि अच्छे तरीके से एक पेस्ट बन जाए. अच्छा, इसको प्रॉपर तरीके से हम ग्राइंड करेंगे. थोड़ा सा और कर दे ताकि वो जो हमारे काजू है ना वो प्रॉपर ग्राइंड हो जाए इसमें. अच्छा, ये हो गई है. अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा क्लीन अप करके हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो हमारा पिज़्ज़ा डो है उसको हमने निकालना है.
एंड मैंने पहले से यहाँ पर बना लिया था ताकि अच्छे तरीके से ये प्रूफ हो जाए, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से प्रूफ हुआ है ये, इसकी सारी एयर निकालनी है। अब मैं क्या करूँगा, ग्लव ले लेता हूँ यहाँ पर क्योंकि हाइजीन का हमने रखना है ख्याल। अच्छा, ये प्रोसेस आप क्या करें, बच्चों को दें ताकि वो अच्छे तरीके से इसको गूंदें, इस डो को। गूंदने की तो वैसे आज से ज़रूरत नहीं है, बस हल्के से इसको आपने क्या करना है, इसको लेवल करना है एंड इसके अंदर हम चीज़ें फिलिंग डालेंगे। एंड आपने क्या करना है, वंस अगेन 190 पे ओवन हमारा प्री हीटेड है। इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर डस्ट कर लेते हैं मैदे से, ये थोड़ा सा और इसको फोल्ड करें। अब आप देख सकते हैं इतना अच्छा ये जो डो है ना, ये बन गया है। अब आपने क्या करना है, यही डो बनाना है। एंड पिज़्ज़ाज के लिए तो ये डो बहुत अच्छा है, इवन ब्रेड के लिए अच्छा है जो आज मैं दिखा रहा हूँ, कि जो रिज़ल्ट आएगा ना आप देख के हैरान हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके हम कर देंगे दो पोर्शंस। यहाँ पर मेरे पास बहुत अच्छा एक क्या मिलता है यहाँ पर बाज़ार में, छोटी छोटी चीज़ें आ गई हुई हैं अब तो, ये ले लें। इससे होता ये है कि आप ईज़िली अपने डो को ना कट कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं यूँ करके। तो छोटे छोटे गैजेट्स है ना अपने पास रख लिया करें आप। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, सीधा गूंदना है अब स्ट्रेट रोलिंग पिन, बस ये चिपके नहीं। अच्छा, इसको हमने क्या करना है, सिनेमन की तरह मैं इसमें फिलिंग डालूंगा। अब आप देखेंगे बिल्कुल ये अलग स्टाइल में बनाऊंगा एंड आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है जो प्रोसेस है, क्योंकि नॉर्मल ब्रेड जो होती है ना बिल्कुल एक लोफ शेप में होती हैं। अच्छा, मैं इसको प्रॉपर तरीके से फ्लैटन आउट करता हूँ, तब तक आप लीजिए शॉर्ट ब्रेक। As you can see, मैंने अपने डो को फ्लैटन आउट कर लिया है एंड अब हमने क्या करना है, जो पेस्टो सॉस हमने बनाई है इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है ये, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में ये आई है। जो इसके रिमेनिंग है ना वो भी हम इधर निकाल देते हैं, क्योंकि हमने कोई बचाना नहीं है, इसमें कैश्यूज़ हैं एंड अगर आप पाइन नट्स डालें तो वैसे ऑल्टरनेट है बिल्कुल सेम, बहुत अच्छी इसकी फ्रेगरेंस है, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है बटर, थोड़ा सा अपने बटर लगाना है इस पर ताकि ये अच्छी सी सकुलेंट सी बने एंड हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ग्लव्स हमने पहने हुई हैं। ये लें, बस इवनली, ज़्यादा नहीं आपने करना, जितना हो सके आप लगा लें इस पर। ये है अनाब जो सॉस है ये, ये सॉस इस पे लगाएं, ब्रश करें एंड अगर कोई जो कैश्यूज है वो रह भी गए तो अच्छा है रह गए, क्योंकि जब आप ये खाएंगे तो आपके नटी फ्लेवर आएगा कैश्यूज का। ये हो गया इधर, ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें थोड़ी सी डालेंगे हम चीज़, मोज़रेला चीज़, ज़्यादा नहीं, बस अपने हिसाब से जितनी आपको लगता है चीज़, तो वैसे ही बच्चों को पसंद है तो आप डाल दें इसमें ज़्यादा। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पार्मेजान पाउडर, चीज़ पाउडर जो है वो जाएगा। अच्छा, मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है इसमें सीजनिंग की, क्योंकि हमने लेमन जूस डाल दिया था एंड ब्लैक पेपर की भी आज से ज़रूरत नहीं है, इसका एक्चुअल जो फ्रेग्रेंस है ना वो आनी चाहिए बस। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है ये, या आपने कर दिया फोल्ड। अब क्या करना है, हमने नाइफ की मदद से इसको आप काट देंगे, ये कर दिया आपने, थोड़ा सा और कर देते हैं ताकि प्रॉपर एक स्लिट आ जाए इसमें।
अब क्योंकि ये काफ़ी मेसी होगा, ये लें। ये रहा एंड ये, इसके ऊपर रख दें। हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास ट्रे है, बेकिंग ट्रे, इसमें हम शिफ्ट करेंगे इसको अभी, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको उठा के यहाँ पर थोड़ा सा डस्ट कर देते हैं। ये क्योंकि काफ़ी जो है ना सॉफ्ट ब्रेड है, ये लें, ये हो गई। थोड़े से उसमें हम डाल रहे हैं तिल और कलौंजी, ज़रूरत ऐसा सच नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास एग वॉश है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जर्दी जो है ना इसकी, एग वॉश से होता है ये कलर बड़ा अच्छा आता है, कोई भी ब्रेड कोई भी बेकिंग गुड जो आप बनाए ना, तो इस पर आपने एग वॉश लाजमी डालना है, लाजमी। ये अच्छी अमाउंट लगाएं ताकि अच्छा कलर आए इस पे। ये हो गया इधर, एंड इस पे थोड़ा सा हम और तिल डाल देते हैं, एंड जो पार्मेजान पाउडर है वो भी, क्योंकि पता तो चले कि पार्मेजान ब्रेड है। एंड इटली में इतना शो, ये जो लोग हैं ना इटालियंस, इतने शौक से खाते हैं ये ब्रेड कि आप लोग इवन गूगल करेंगे, व्लॉग्स जो आजकल आ गए हैं वो आप देखें कि पेस्टो सॉस हर जगह बन रही होती है। अच्छा, मैं इसमें डाल रहा हूँ अब अवन में, 190 डिग्रीज प्री हीटेड है, इसको हम इधर डाल देते हैं। एंड अब क्या करते हैं, हम दूसरे लोफ की तैयारी करते हैं। यहाँ पर सेम वही प्रोसेस करेंगे, आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, प्लीज़ कॉल करें, एंड कोई भी क्वेरी है किसी चीज़ से रिलेटेड प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि उसको हम सॉल्व करें। यहाँ पर कोई फरमाइश करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ फरमाइश भी करें। अगेन इसको हम रोल करेंगे, इतना सॉफ्ट डो बनता है ना ये, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, अगर आपको वैसे ही मैंने कहा भी था कि मैं आपको बता दूंगा, आपने क्या करना है, मैदा लेना है, 3.5 कप ऑफ फ्लावर जो मैदा है वो आपने लेना है, 3 कप और आधा कप, उसमें आपने क्या करना है, पहले एक अलग जार में आप क्या करें, यीस्ट डाल दें, 11 ग्राम्स का पैकेट आता है यीस्ट का, अच्छी यीस्ट लिया करें तभी अच्छा प्रूफिंग होगी। यीस्ट लेना है, उसमें 8 टेबलस्पून शुगर डाल देनी है, उसके अंदर हल्का सा सॉल्ट डाल दें एक पिंच, एंड थोड़ा सा दूध डाल दें या हाफ कप पानी डाल दें, उसको राइज होने दें ताकि यीस्ट जो एक्टिवेट हो, शुगर से एक्टिवेट होती है यीस्ट। अच्छा, वो आपने डाल दिया, उसके बाद क्या करना है, फूड प्रोसेसर है नहीं है आपके पास तो आप क्या करें, हाथों से इसको गूंदें, एंड इसमें आपने क्या करना है, 1 कप और आधा कप पानी लेना है, उसको अच्छे तरीके से गूंदें, एंड इसमें आपके जो डो है ना ये तैयार हो जाएगा। इसको आपने लेकिन क्या करना है, प्रूफिंग के लिए टाइम देना है, आधा घंटा इसको प्रूफिंग के लिए दें, और ये एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा जैसे मेरे साथ ये आपने, मैंने आपको जब दिखाया था कि इसी तरीके से प्रूफ होगा ये। अच्छा, इसको अच्छे तरीके से रोल आउट करें, सेम प्रोसेस इसमें करेंगे हम लोग, वही जो हमने करना था। थोड़ा सा मैं फ्लावर लगा रहा हूँ, साइड जो है ना इसकी अपने हाथों से ही कर लें इसको। अच्छा, ये पेस्टो है, पहले बटर लगाएंगे थोड़ा सा, बटर वैसे सॉफ्ट तो हो गया है, इसको हम हाथों से ही लगा देते हैं। बटर इसलिए लगाना ताकि और अंदर से मॉइस्ट बने, सॉफ्ट बने। ये हो गया है, एंड इधर पेस्टो सॉस थोड़ी ज़्यादा लगाएं, क्योंकि पेस्टो का जो मज़ा है ना, मैं आपको बताऊंगा, जब आप घर में बनाएंगे तभी पता चलेगा। फ्रेश बेजल लीव्स लें, इवन अब तो होता है कि नर्सरी में आपको ना ये गमले मिल जाते हैं बने बनाए, सीड्स भी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप वहीं से उठा लें अपने बेजल जो है, क्यों इतना खर्चा करें, अच्छा पौधे घर में भी आप ये करें, सारे पुदीना है धनिया है सारा घर पे लगाएं।
ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें हम डालेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़ है, ये ऑप्शनल है क्योंकि बच्चों को वैसी पसंद होती है, तभी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये है एंड अगेन वही प्रोसेस वापस। अब मैं इसको रोल करना है सिनेमन की तरह, सिनेमन रोल जो मैंने आपको सिखाए थे बिल्कुल उसी तरीके से। थोड़ा सा फ्लावर हम नीचे ऐड कर देते हैं क्योंकि होता है कि चिपकना शुरू हो जाता है ये। इसको हाफ करना है आपने। अच्छा, अब एक और भी चीज़ है, अगर आपको इसके अंदर ऑलिव्स डालने हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो कोई नहीं है। लेकिन ये बहुत, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये बेसिक ब्रेड है बिल्कुल, जो पेस्टो सॉस से बनती है। ये लें एंड वही प्रोसेस आप वापस करेंगे। इसमें ये हुआ एंड ये काफ़ी मेसी है लेकिन कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ही ऐसी बनेगी ये, बिल्कुल ब्रेड की शेप में। थोड़ा फोल्ड कर दें इधर, ये हो गया। थोड़ा सा इसमें बटर और लगा देते हैं हम, कौन ये बटर वाला, चलिए हाथ से कर लेते हैं इसको, ये लें, ताकि बिल्कुल मॉइस्ट और इतने मज़ेदार ये बनती है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है। हाँ, जस्ट मेक श्योर आपका जो ओवन है वो 190 पे प्री हीटेड हो। एंड आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आपने क्या करना है, इसी लोफ को आपने मलमल का कपड़ा जो होता है उसको थोड़ा सा गीला करें, डाल दें ताकि वो डबल प्रूफ हो और ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। मैं क्या करता हूँ, ट्रे लेता हूँ, इसको डालता हूँ ओवन के अंदर। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने क्या किया था, अपने दोनों लोव्स बना के ओवन में डाल दिए। मेक श्योर आपका ओवन 190 डिग्रीज प्री हीटेड हो, 190। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो जस्ट मेक श्योर कि 170 पे रखें। नीचे वाला ऑन करना है आपने एंड उसको अच्छे तरीके से, जिस की पे ना आए कि अच्छे तरीके से वो बन जाए, कलर आ जाए, फिर आपने निकालना है। एंड ये वैसी इतनी सॉफ्ट बनेगी, आप देख सकते हैं ये और राइज हो गई है। आपने क्या करना है इसको, मैं तो यहाँ पर जल्दी बना रहा हूँ लेकिन आपने डबल प्रूफ करना है। डबल प्रूफ करते कैसे हैं, आपने क्या करना है, जैसे आपने शेप दे दी है उसके ऊपर डैम्प कपड़ा रखना है एंड करेंगे क्या, आप उसके अंदर आपने डबल प्रूफ करना है। एंड होगा ये कि जब हीट और वो जो आपका जो कपड़ा होता है ना, उससे होगा ये कि हीट प्रोड्यूस होगी और उसका जो राइस एक और प्रूफिंग जो होती है वो होगी डबल। दूसरी रेसिपी पे चलते हैं, इसको हम देखते रहेंगे साथ साथ। दूसरी रेसिपी जो हमारी है, गार्लिक प्रॉन जो पेपर प्रॉन सिजलर है वो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। एंड उसके लिए अगेन जो की इन्ग्रीडियंट है हमारे पास है प्रॉन्स। प्रॉन्स आपने अपने हिसाब से लेने, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम्स ऑफ प्रॉन्स लिए हैं। अब आप देख सकते हैं सारा चाइनीज़ का सामान है मेरे पास यहाँ पर, मज़ेदार सा यहाँ पर बनने जा रहा है सिजलर डिश में हम इसको सर्व करेंगे। प्रॉन्स ले लिए मैंने अपने हिसाब से, आपको जो प्रॉन पसंद आए, टाइगर ले लें, उससे छोटा आता है वो ले लें। प्रॉन यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्सिकम है क्यूब में कटी हुई, एक बड़ी कैप्सिकम ले ली थी, उसको अच्छे तरीके से क्यूब में काट दिया है। यहाँ पर मेरे पास हैं बीन्स। अच्छा, बीन्स को हम, ये सारे गार्निश की चीज़ें ज़्यादा है मेरे पास क्योंकि चाइनीज़ में गार्निशिंग भी ज़्यादा होती है, सॉसेस भी होती हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी बनने वाला है। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, अगर आपके होता है मार्केट में इजीली चिकन क्यूब अवेलेबल है, चिकन पाउडर भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम एक स्टॉक बनाएंगे सबसे पहले इसको पानी में डाल के, एंड ईजिली आपका स्टॉक बन जाता है चिकन स्टॉक। यहाँ पर मेरे पास है ब्लैक पेपर, क्योंकि पेपर प्रॉन सिजलर बन रहा है तो ब्लैक पेपर ना ऐसा हो सकता है। यहाँ पर मैंने साबुत भी ले लिए एंड पिसा हुआ भी ले लिया ब्लैक पेपर, ये हाफ टी स्पून है और ये समझें कि 10-12 मेरे पास यहाँ पर होल होंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास बटन चिलीज़ जो होती हैं, कुटी लाल मिर्च जो होती है, उसको अच्छे तरीके से कूटना नहीं है, आपने ऐसे ही होल लेनी है। यहाँ पर सेसमी ऑयल है मेरे पास। अच्छा, गार्लिक है मेरे पास, यहाँ पर समझे एक पूरा जो बड़ा आता है ना बंच, उसको मैंने काट दिया था, समझे इसमें 4-5 जवे होंगे बड़ा वाला, उसको चॉप कर लिया। यहाँ पर ग्रीन अनियंस हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं वैसे ही आपको, इसमें ऑयल है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हम लोग इसको एक थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे हमारे प्रॉन को। प्रॉन ले लेते हैं यहाँ पर,
250 ग्राम्स ऑफ प्रॉन है मेरे पास। उसके अंदर हमने क्या करना है, ये थोड़े से बिट्स रह गए, अच्छे तरीके से इसकी टेल और हेड निकाल लेना है एंड पीछे से जो इसकी वेन होती है वो भी अच्छे तरीके से निकाल लें। जहाँ से आप ख़रीदते हैं, अगर आप फ्रेश खरीद लें तो उनको आप पहले ही बोल दें कि इसको निकाल दें, साफ़ अच्छे तरीके से साफ़ होगा तो ही आपने बनाना है। इसका हेड एंड टेल दोनों निकालनी है आपने। अच्छा, इसमें क्या करना है, एग वाइट एक जाएगी, एक अंडे की एग वाइट, इसमें जाएगा ब्लैक पेपर, थोड़ी सी सीजनिंग है, ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, समझे, हाफ टी स्पून, ये सॉल्ट गया। अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है कॉर्नफ्लावर, कॉर्नफ्लावर यहाँ पर समझे मैं ले रहा हूँ, ये गया एक और ये गया दो, ये हो गया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे एंड थोड़ा सा शैलो फ्राई करेंगे इसको। अच्छा, आई थिंक क्योंकि ब्लैक पेपर की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉन यहाँ पर 250 से थोड़े ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें ब्लैक पेपर जो है ना वो थोड़ी सी और डाल देते हैं, 1 टीस्पून हमने और डाल दिया इसमें। इसको अच्छे तरीके से बाइंड करें, मिक्स करें एंड साथ साथ ब्रेड को भी देखते रहूँगा मैं कि अच्छा सा कलर आ जाए एंड फिर इसको निकाल लेंगे हम। ये अच्छा, मेरे पास ऑयल है यहाँ पर, मैं इसको शैलो फ्राई करूँगा। अच्छा, आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई भी फरमाइश करनी हो आपने, तो प्लीज़ कॉल करें, अपनी फरमाइश नोट डाउन करवा लें यहाँ पर, ताकि हम फिर आपकी सारी फरमाइशें जो हैं पूरी करें। तेज़ क्यों नहीं चल रहा है, चलें हम ये वाला ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर ऑयल है, हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। हाफ कप ऑयल लेंगे, देखते हैं जब तक ये हीट अप हो जाए, फिर इसमें हम प्रॉन डालेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको जैसे लास्ट मैंने क्या किया था कि फ़िश जो मैंने ली थी, जो अगर आपने लास्ट एपिसोड देखी है मेरी, उससे मैंने क्या किया था, फ़िश को अच्छे तरीके से कोट कर लिया था। कोट हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, जो आपका सी फूड होता है बहुत डेलिकेट होता है तो वो टूट जाता है, तो अच्छे तरीके से उसको पहले कोटिंग एक लगाएं कॉर्नफ्लावर की, या जैसे मैंने लास्ट जो फ़िश की बताई थी आपको, बेसन की, बेसन एंड कॉर्नफ्लावर मिक्स, तो होता है कि बाइंड होती है जब आप करी बनाते हैं, तो अच्छे तरीके से जब आप इसको मिक्स करेंगे ना तो ये टूटेगा नहीं एंड बाइंड रहेगा, क्रंच आएगा। ये अच्छा, इसको हम यहाँ साइड कर लेते हैं तब तक ये हो जाए, मैं आपको बाकी इंग्रेडिएंट्स बता दूं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास अगर चिली ऑयल है, अगर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा है कि फ़्लेवर, एक एरोमेटिक फ़्लेवर आता है आपके चाइनीज़ खानों में, ये लाजमी मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा भी अपकमिंग रेसिपीज़ में, एपिसोड्स में, ताकि आप घर पे बना के अच्छा खासा स्टोर कर दें। जब भी आप चाइनीज़ बनाएं, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालें एंड इसके अंदर क्या होता है, चिली फ्लेक्स होते हैं वो डालें एंड बहुत अच्छा आपका फ़्लेवर आएगा। सेसमी ऑयल है वो हम इस ग्रेवी में डालेंगे, ये बटन चिलीज़ हैं ये डालेंगे, अगर आपके पास अगेन ऑप्शन है चिकन पाउडर डालना है, चिकन स्टॉक है वो डाल लें एंड यहाँ पर सॉसेस हैं मेरे पास। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सोया सॉस है एंड ऑयस्टर सॉस है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी जो ग्रेवी बनेगी ना ये लाइट होगी, ये डार्क नहीं होगी, तो थोड़ा सा आपने क्या करना है, हल्का सा फ्लेवर देंगे। नहीं है आपके पास तो ना डालें, ज़रूरी नहीं है, वैसी बन जाएगी। अच्छा, इसको हम डाल लेते हैं, बस अच्छे तरीके से इसको हमने बाइंड करना है, बस एक कोटिंग आ जाए ऊपर। कि तेज़ नहीं है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि तेज़ क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलें इसको हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर, ये हल्का हल्का हो जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको बताया था चाइनीज़ का यहाँ पर मैंने क्या किया है,
एक्स्ट्रा गार्निश के लिए यहाँ पर ग्रीन अनियंस ले लिए हैं, हमारे पास यहाँ पर प्याज कैप्सिकम है वो हम इसमें ग्रेवी में डालेंगे। अच्छा, हमने क्या करना है, स्लरी बनाना है। स्लरी क्या होता है, आपको नाम तो आपने सुना होगा या रेसिपीज़ में भी देखा होगा कि स्लरी होता है कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर जो थिक होता है, वो आपने बनाना है यहाँ पर। तभी मैंने कॉर्नफ्लावर थोड़ा रहने दिया था, वो हम बनाएंगे इसमें। यहाँ पर थोड़े से क्रंच के लिए मैंने, गार्निश के लिए मैंने, जैसे लास्ट मैंने अपना फ़िश में डाला है तो वो हम डालेंगे ताकि प्रेजेंटेबल लगे। यहाँ पर मिक्स पीज़ है मेरे पास एंड कैरेट्स हैं फ्रोज़न हैं, उसको अच्छे तरीके से क्या करना है, ब्लांच करना है। ब्लांच किस तरीके से होता है, बॉइलिंग वाटर है उसमें आपने डालना है एंड फ़ौरन से छन्नी से वापस निकाल देना है। ये कर लिया, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास अगेन ग्रीन अनियंस के हेड्स हैं, जो ग्रीन अनियन इट्सेल्फ होता है वो क्या करना है, इसमें अच्छे तरीके से अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ग्रीन अनियन हमेशा जब भी आप चाइनीज़ बनाएं तो साथ आपने रखना है, रिकमेंडेड है ये है। एंड बीन्स, एंड अगेन यहाँ पर मेरे पास लेमन्स हैं, एंड अब यहाँ पर आ जाते हैं राइस। इसको आप राइस के साथ सर्व करें, इवन आपके पास, अब मैं लास्ट वीक गया था, एक बड़ा अच्छा ईटरी है चाइनीज़ की, नाम नहीं ले सकता, लेकिन क्या किया कि इवन इतना छोटा सा बोल उन्होंने राइस का दिया और इतना महंगा दिया, तो क्यों ना आप ये घर पे सारी चीज़ें बनाएं, और इतनी बल्क क्वांटिटी में बन जाती है उसी पैसे में, तो क्यों आप बाहर जाएं और रेसिपी आप प्लीज़ यहाँ पर ट्राई करें घर पे और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। अच्छा, मैं ब्रेड को भी देख लेता हूँ यहाँ पर, अच्छा कलर तो आ चुका है, बस थोड़ी सी और देर देंगे, अच्छा कलर और आ जाए फिर इसको निकाल के हम सर्व करेंगे। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सॉस पैन ताकि हम ग्रेवी स्टार्ट कर लें। आज पता नहीं गैस का कोई इशू हो गया, कैसा आ नहीं रही है। अच्छा, हम लोग चलते हैं ब्रेक की तरफ एंड फिर मैं इसको शैलो फ्राई भी कर लेता हूँ, तो आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। हमने क्या किया था, गैस का इशू सॉल्व कर लिया था, बस सिलेंडर से थोड़ी गैस और हमने निकालनी थी। यहाँ पर हमने प्रॉन्स को अच्छे तरीके से सॉटे कर लिया है एंड ये बन गए, बस जल्दी बन जाते हैं वैसे प्रॉन्स हो, सी फूड आपका जो भी है, आपने क्या करना है बस इसको निकाल देंगे हम। आहिस्ता कर देता हूँ, सही ताकि जो रिमेनिंग है वो भी हम डाल दें एंड फिर हम ग्रेवी की तरफ चलते हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमारी ब्रेड है इसका अच्छा सा कलर आ गया, मैंने कहा थोड़ा सा और कलर दे देते हैं फिर इसको निकालते हैं आपके सामने। रिमेनिंग है ये भी हम डाल दें इसमें, ये हो गया, इसके ऊपर हम थोड़ा सा लिड दे देते हैं, क्लीन अप कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, अब क्या करूँगा मैं आपके सामने, मैंने कहा मैं निकाल के दिखा दूं जो हमारी ब्रेड है, कलर माशाल्लाह बहुत अच्छा आ चुका है इसका, ये क्या आप देख सकते हैं। हाँ, ये दूसरा लोफ जो है हमारा, ये दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इस पर। एंड ये एग वॉश आपने लगाना है लाजमी, उससे बगैर इतना अच्छा कलर आएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, इसको हम होने देते हैं यहाँ पर, हम लोग स्टार्ट करते हैं हम ग्रेवी की तरफ। हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेंगे सेसमी ऑयल। अच्छा, हमारे पास कॉलर हैं फ्रॉम हुंजा फ्रॉम एप्टाबाद, वो कॉल ड्रॉप हो गई, चलें कोई बात नहीं। ये हमने सेसमी ऑयल डाला है इसमें, अच्छा इसमें हम लोग डाल देंगे हमारे ये चिलीज, गार्लिक, अब आपने ये जो हमारे सारे थे हमने यही सारा डाल देना है इसमें, क्योंकि गार्लिक का जो टेस्ट आएगा ना मैं आपको बताऊँ बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा होता है एंड चाइनीज़ में तो वैसे ही यूज़ होता है गार्लिक बहुत ज़्यादा, गार्लिक एंड जिंजर।
बस इसको हमने क्या करना है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है, ज़्यादा इसको कलर नहीं देना है। यहाँ प्रॉन्स को मैं देख लूँ क्योंकि वैसे ही जल्दी बनने वाले होती है ये जो प्रॉन्स हैं, तो अच्छा सा कलर आ जाए, हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, अगर आपको इसको ब्रेड क्रम करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो एडिशनल अलग चीज़ है क्योंकि वो फिर ग्रेवी में अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये हो गया, इसको हम देख सकते हैं। अच्छा, इसी में मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर मेरे पास है कैप्सिकम, अनियन, ये पूरे पूरे एक एक वो है, एक अनियन पूरा डाइस हुआ हुआ और कैप्सिकम। अब मैंने, आपने देख लिया होगा, मैंने ये चूल्हे से हटा दिया है क्योंकि ये फ़ौरन जल्दी कलर पकड़ लेता है। हल्का सा इसको सॉटे करना है हमने। यहाँ पर मेरे पास हैं ये हेड्स जो है हमारे ग्रीन अन के, ये भी गए इसके अंदर। सारी चीज़ें क्लियर आउट करते रहते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि कोई चीज़ रह ना जाए इसके अंदर। ये चिली ऑयल है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें, बस कलर इसमें बड़ा जो अच्छा आता है ना, एंड एरोमेटिक्स जो होता है ये बिल्कुल, एंड मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा बिल्कुल। ये यहाँ पर मेरे पास है काली मिर्च होल, ये भी इसमें चली जाएगी। ये सारी हमारी वो वाली चीज़ें, इसको थोड़ा सॉटे करते हैं। एंड ये हमारे जो प्रॉन्स हैं ये हो चुके हैं, चूल्हा करते हैं बंद, इसको हम निकालेंगे। इसमें हमारा दूसरा वाला किधर गया। अच्छा, मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, इसे पानी डाल रहा हूँ, पानी डाल रहा हूँ। एंड क्या करूँगा, इसमें मैं डाल दूँगा चिकन का जो क्यूब होता है ये डाल दूँगा। आप लोग लीजिए रिकैप रे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। पेपर प्रॉन सिजलर, अज्जा, झींगे 250 ग्राम, कटा लहसुन 3 जवे, पानी 230 मिलीलीटर, नमक हसबे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, चकोर कटी प्याज 1 अदद, साबुत लाल मिर्च 4 अदद, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, हरी प्याज गार्निश के लिए, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, पानी हसबे ज़रूरत, अदरक हसबे ज़रूरत। तरकीब, एक बोल में झींगे, नमक, काली मिर्च और कॉर्नफ्लावर मिलाकर शैलो फ्राई कर लें तब तक रंग ना बदल जाए। एक बर्तन में कटी सब्जी, तेल, अदरक, लहसुन, मिर्चें, कॉर्नफ्लावर, स्टॉक या पानी और सीजनिंग शामिल करके ग्रेवी बना लें, फिर झींगों पर डालकर सिजलर में सर्व करें। पेस्टो पार्मेजानो ब्रेड, अज्जा, पिज़्ज़ा डो 1 अदद, पेस्टो सॉस बनाने के लिए पेस्टो सॉस, बेसिल लीव्स हसबे ज़रूरत, कैशियोस हसबे ज़रूरत, लहसुन के जवे 3 अदद, नमक हसबे जायका, काली मिर्च सीजन के लिए, तेल आधा कप, पार्मेजान पाउडर हसबे ज़रूरत, लीमो का रस 1 लीमू का, एग वॉश 1 अंडे का। तरकीब, पिज़्ज़ा डो को बेल कर पेस्टो सॉस डालें, फिर डो को सिलेंडर शेप में रोल करें और हॉरिजॉन्टल शेप में काट लें, फिर ब्रेड की तरह रोल आउट करें और गोल्डन होने तक 180 डिग्री पर बेक करें, ज़रूरी हो तो अंडे से वॉश करें। काफ़ी सिजल हो रहा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या किया है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ वापस। अच्छा, ये प्रोसेस आपको दिखाना लाजमी था, ये मैंने स्लरी बना ली है, कॉर्नफ्लावर एंड पानी, इसको हाई रखना है हमने और इसमें डाल दें, एंड जस्ट मेक श्योर कि ये जो है ना थिक हो जाए, इसको हम और थोड़ा डाल देते हैं एंड इसको हाई हीट रखेंगे। एंड इसी में हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं अपने जो सारे हमारे प्रॉन्स हैं वो डाल देंगे। अच्छा, हाथ मैंने धो लिए हैं पहले ही, ये हो गया है। एंड इसको और ज़रूरत कुछ भी नहीं करना है, इसको हम कर देंगे बंद। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हमारे मिटन्स जो हैं, क्योंकि सिजलर प्लेटर है, इसको यहाँ रखते हैं हम, ये इधर आएगा। इट्स वेरी हॉट, प्लीज़ अपना ख्याल रखें, एंड इसको आपने वैसे नहीं उठाना एंड ना ही बच्चों को देना है, बच्चों से दूर रखें इन चीज़ों को। यहाँ पर मेरे पास थोड़े से जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये फ्रोजन पीस कैरेट्स हैं,
थोड़े से राइस भी रख दिए हमने यहाँ पर। मेरे पास यहाँ पर ये हैं बीन्स, वेरी हॉट, आप देख सकते हैं सिजल कर रहा है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, जो हमारा पूरा प्रॉन का प्लेटर है इसमें डाल देंगे। एंड ये फिर आ गया, एंड ये जो रिमेनिंग है ये इसमें ही थोड़ा प्लेटिंग कर देते हैं। ले लें, प्रॉन्स हम निकाल के इसमें और डाल देते हैं ताकि आपको दिख जाए कि प्रॉपर एक पूरा सिजलर तैयार है आपके सामने। एंड थोड़े से इसमें क्रिस्प ऐड करेंगे हम, ये लें। एंड ग्रीन्स जो हमारे होते हैं हर चाइनीज़ में, ये लें। एंड वी डन अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मुझे फीडबैक आप ऐसे देते रहें। एंड मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक विद न्यू एंड सिग्नेचर रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।